स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेडिकल न्यूज के एक फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है नीरव। आज भी मेरे पास 8 कमाल के मेडिकल न्यूज है जो मैं आप सभी के साथ ही वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर से देखे, नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो जुड़ा हुआ है रिकवरी रेट के साथ। इंडिया का रिकवरी रेट जो है वो हो चुका 95.92%। हम जो है वो 0.08% दूर है 96 से। आपका क्या मानना है कि 2020 में हम ये अचीव कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। सेकंड अपडेट की तरफ बढ़ते हैं जो जुड़ा हुआ है टोटल एक्टिव केसेस के साथ। यहाँ पे इंडिया में जो टोटल एक्टिव केसेस है वो बचे हुए हैं 2,68,581। ये ड्रास्टिक ड्रॉप देखने को मिला है क्योंकि जो पिछले 24 घंटे है इंडिया में काफी कम केसेस रजिस्टर हुए। नंबर है 16,432। जनरली 25,000-26,000 केसेस जो है हमारे सामने आते हैं, लेकिन सिर्फ 16,000 केसेस हमारे सामने कल 24 घंटों में आए हुए हैं। नेक्स्ट अपडेट जो है वो जुड़ा हुआ है यूके के साथ। यूनाइटेड किंगडम में लास्ट 24 आवर्स में 53,135 केसेस जो है रजिस्टर हुए हैं और 414 डेथ्स जो है ना वो रजिस्टर हुई है। इंडिया से ऑलमोस्ट जो है वो 3 गुना से भी थोड़े ज्यादा केसेस जो है ना वो रजिस्टर हुए हैं पिछले 24 घंटों में यूके के अंदर, क्योंकि वहां पे नया स्ट्रेन है जो काफी जल्दी फैल रहा है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ा हुआ है अगेन यूके रिटर्निंग के साथ। यहाँ पे यूके से रिटर्न आई एक महिला जो आंध्र प्रदेश में गई थी, दिल्ली का रूट था, दिल्ली से आंध्र प्रदेश गई थी, वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है लेकिन नए स्ट्रेन के साथ। अब यहाँ पे सोर्सेस का ऐसा मानना है कि जो नया स्ट्रेन है वो आंध्र प्रदेश में नहीं फैला होगा क्योंकि वो लेडी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था उसके सन के साथ, तो ऐसे होने के चांसेस तो कम है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि देखिए ये फैल तो चुका होगा लेकिन अभी डिटेक्ट नहीं हो रहा है। उसके पीछे रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि इतने ज्यादा लोग जो है वो यूके से ट्रैवल करके आए दिल्ली में, दिल्ली से वो गए आंध्र प्रदेश में, दिल्ली से कुछ लोग गए तेलंगाना में, कुछ अहमदाबाद में आए, तो यहाँ पे वो जो नया स्ट्रेन है वो दिल्ली में लेके आए थे और दिल्ली एयरपोर्ट पे काफी और भी पब्लिक होगी जो कहीं और ट्रैवल कर रही होगी, तो अगर वो ट्रांसमिशन हुआ है तो ये पॉसिबल होगा। लेकिन ये अगर हुआ है तो हमें थोड़े समय के बाद ही पता चलेगा क्योंकि इमीडिएट इम्पैक्ट जो है वो नहीं देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो जुड़ा हुआ है अगेन नए स्ट्रेन के साथ। यहाँ पे जर्मनी का ऐसा क्लेम करना है कि यूके का जो नया स्ट्रेन है वो हमारे वहां तो जो है वो नवंबर 2020 से प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो जुड़ा हुआ है गवर्नमेंट सर्वे और गवर्नमेंट के रिजल्ट के साथ। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया में जितनी भी डेथ्स हुई है अप्रोक्सीमेटली 1,45,000 के आसपास डेथ्स है, उसमें 70% डेथ्स जो है वो मेल में हुई है। मतलब जो है जेंडर मेल होता है तो डेथ जो है वो कोविड-19 की वजह से ज्यादा हुई है कंपेयर टू फीमेल। लास्ट अपडेट के ऊपर बढ़ते हैं जो जुड़ा हुआ है ऑक्सफर्ड की कोविड-19 वैक्सीन के साथ। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का कहना है कि ऑक्सफर्ड की वैक्सीन जो है वो अप्रूवल के लिए अभी भी तैयार नहीं है। अब इसके पीछे क्या रीजन है वो नहीं बताया गया है। बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास बहुत ही कुछ कम ही डेटा वैक्सीन के बारे में अवेलेबल है। और यहाँ पे स्ट्रेंज बात तो ये है कि अभी तक ऑक्सफर्ड ने यूरोपियन यूनियन को मतलब इमरजेंसी अप्रूवल की रिक्वेस्ट भी जो है वो नहीं की हुई है। यूके में की हुई अब तक रिजल्ट नहीं आया हुआ है, इंडिया में की हुई अब तक जो है वो रिजल्ट नहीं आया हुआ है। आशा रखता हूँ आज का मेडिकल न्यूज का एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। आया है वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना करो। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।